गणतंत्र दिवस के पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका जिले के लोगों को विशेष तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने दुमका के आउटडोर स्टेडियम में एक मेगा शिविर लगाकर 10,145 लाभुकों के बीच 114,30,00,000 का ऋण वितरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने दुमका जिले के विभिन्न प्रखंडों के 56 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। दुमका में सीएम रघुवर दास ने पीएम एलपीजी पंचायत की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम ने प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत पुस्तिका का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस के घर में आने से झारखंड की हमारी गरीब बहनों की जिंदगी में एक बेहतरीन बदलाव आ रहा है। अब उन्हें धुएं में जिंदगी नहीं बितानी पड़ेगी। झारखंड सरकार उच्च शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पैसों के अभाव में कई बार प्रतिभाशाली छात्र अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। सरकार ऐसे छात्रों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि ऐसे छात्रों के लिए मुख्यमंत्री फॉलोशिप योजना की शुरुआत की गई है। झारखंड में धान खरीद में मिल रही शिकायतों के बाद मंत्री सरयू राय ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों से खरीद केंद्रों के समय पर नहीं खुलने, किसानों से प्रति बोरा 5 से 10 किलोग्राम धान काट लिए जाने की शिकायत मिल रही थी। झारखंड की राजधानी रांची में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 25 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। ये घटना शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सरस डंगाल की है। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने एटीएम तोड़कर रुपए निकाल लिए हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।